गाइज फाइनली KTM की RC 390 का प्राइस रिवील हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे KTM की RC 390 के बारे में, जिसका प्राइस रिवील हो चुका है। बाइक की सारी डिटेल्स भी रिवील हो चुकी हैं। सो इस बाइक के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, KTM ने आज ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे RC 390 का प्राइस रिवील किया है, लेकिन KTM ने काफी टाइम पहले ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बाइक को रिवील कर दिया था। सो बाइक के जितने भी फीचर्स थे वो पहले ही रिवील हो चुके थे, लेकिन प्राइस जो है वो बाइक का अभी रिवील हुआ है। सो सबसे पहले हम प्राइस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो बाइक का एक शोरूम प्राइस है 3,14,000 और 3,50,000 रुपए के आसपास इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। और कितना प्राइस बढ़ा है उसके बारे में अगर बात करें तो यार इस बाइक का प्राइस 36,000 रुपए बढ़ गया है, 36,000 इस बाइक का प्राइस इंक्रीज हो गया है, क्योंकि पहले बाइक का ऑनरोड प्राइस 3,00,000 रुपए के आसपास था, लेकिन अब बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको 3,50,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। तो यार देखा जाए तो बाइक का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अगर आप RC के फैन हो तो फिर आप इस बाइक को बिल्कुल परचेज करोगे। लेकिन कावासाकी की निंजा 300 भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है जिसके लिए आप जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि RC 390 और कावासाकी निंजा 300 इन दोनों बाइक्स की एक कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी RC 390 के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो बाइक के अंदर 373.27 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर और टोर्क आउटपुट काफी ज्यादा अच्छी है। ये बाइक अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 43.5 PS एट 9000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 37 न्यूटन मीटर की एट 7000 RPM विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है। अभी बाइक के अंदर काफी सारे फीचर्स अपग्रेड हो चुके हैं। बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन फ्रंट फेयरिंग है, न्यूली डिजाइन साइड फेयरिंग है और न्यूली डिजाइन टेल सेक्शन है। बाइक की जो पिलियन और राइडर सीट है उनका कंफर्ट भी पहले से ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाइक का फ्रंट लुक यार उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना पहले आता था। लेकिन बाइक के अंदर अब LED हेडलाइट आ चुकी है जो पहले नहीं आती थी। सो अभी बाइक के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है, क्योंकि फ्रंट में काफी अच्छी LED हेडलाइट है जिसका इल्यूमिनेशन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ में LED इंडिकेटर्स भी हैं। बाइक के अंदर ड्यूक 390 वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में वही सेम LED टेल लाइट है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बाइक में वही सेम 43mm के व्हाइट पावर एपेक्स प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं। रियर में 10 स्टेप एडजस्टेबल व्हाइट पावर एपेक्स मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। बाइक स्प्लिट ट्रेलिस ट्यूबुलर फ्रेम पे बेस्ड है विद बोल्ट ऑन सब फ्रेम। बाइक के अंदर 320mm की डिस्क ब्रेक है विद रेडियली माउंटेड कैलिपर और 230mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद फ्लोटिंग कैलिपर। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.7 लीटर्स की। सो बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी पहले से काफी अच्छी हो गई है, और बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस है 153mm और सीट हाइट है 835mm। बाइक का वेट है 172kg। और अब बाइक के अंदर काफी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर प्लस, और कंपनी का दावा है कि बाइक के जो एरोडायनेमिक्स हैं इर्गोनॉमिक्स पहले से बेटर हो गए हैं। सो गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाइक अपनी सेगमेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस वाली मशीन है। बाइक का इनिशियल एक्सेलेरेशन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाइक इनिशियल एक्सेलेरेशन के मामले में कावासाकी की निंजा 300 को भी बीट कर देती है। दोस्तों, आपको KTM की RC 390 का प्राइस कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो यार, ये थी KTM RC 390 की सारी डिटेल्स। बाइक का एक शोरूम प्राइस है 3,14,000 और बाइक के सारे फीचर्स तो हमें पहले से ही पता थे, लेकिन आपको KTM की RC 390 कैसी लगती है क्या आपके अकॉर्डिंग ये बाइक ओवर प्राइज्ड है या फिर ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।